दुष्कर्म की वारदात पर एसपी श्री राजेश दुगल ने बहादुरगढ़ पहुंचकर लिया घटनास्थल का जायजा। जांच पड़ताल के लिए विशेष रूप से गठित एसआईटी को दिए मामले की गहनता से जांच करने व दोषियों को जल्द पकड़ने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। थाना शहर बहादुरगढ़ में दर्ज दुष्कर्म के एक मामले को गंभीरता से लेते हुए एसपी श्री राजेश दुगल ने सोमवार को बहादुरगढ़ पहुंचकर घटनास्थल का बारीकी से मुआयना किया। दर्ज आपराधिक मामले के अनुसार थाना शहर बहादुरगढ़ के अंतर्गत आधुनिक औद्योगिक क्षेत्र के एरिया में हुई एक प्रवासी लड़की के साथ दुष्कर्म की वारदात पर कड़ा संज्ञान लेते हुए एसपी श्री राजेश दुगल द्वारा मामले की गहनता व तत्परता से जांच पड़ताल करने के लिए एसआईटी गठित करने के निर्देश दिए गए। पुलिस अधीक्षक श्री राजेश दुगल के दिशा निर्देश अनुसार उपरोक्त मामले की गहनता से जांच पड़ताल तथा दोषियों की धरपकड़ के लिए एसआईटी का गठन किया गया। डीएसपी बहादुरगढ़ पवन कुमार के नेतृत्व में गठित एसआईटी में थाना प्रबंधक शहर बहादुरगढ़, महिला थाना प्रबंधक बहादुरगढ़, सीआईए प्रभारी बहादुरगढ़ तथा साइबर सेल बहादुरगढ़ को शामिल किया गया है। सोमवार को बहादुरगढ़ पहुंचकर एसपी श्री राजेश दुगल ने घटनास्थल एरिया व तोड़कर छिन्नभिन्न किए हुए शमियाने का बारीकी से जायजा लिया गया, जहां वारदात को अंजाम देने बारे जानकारी दी गई है। इस अवसर पर डीएसपी बहादुरगढ़ एसआईटी में शामिल अन्य पुलिस अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। उन्होंने मौका पर ही पुलिस अधिकारियों को उपरोक्त मामले की हर पहलू से गहनता से जांच पड़ताल करने तथा दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने के संबंध में कड़े दिशा निर्देश दिए। घटनास्थल का जायजा लेने के बाद एसपी श्री राजेश दुगल लघु सचिवालय बहादुरगढ़ में स्थित कैंप कार्यालय में पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में उन्होंने बहादुरगढ़ क्षेत्र में वर्तमान हालात तथा थाना शहर बहादुरगढ़ में दर्ज दुष्कर्म के आपराधिक मामले के संबंध में विस्तृत जानकारी ली। पुलिस अधिकारियों को निर्देश देते हुए एसपी श्री राजेश दुगल ने कहा कि क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए हर संभव कार्रवाई अमल में लाई जाए। महामारी संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए जारी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने तथा आपराधिक गतिविधियों की रोकथाम के लिए पीसीआर राइडर्स व अन्य पुलिस टीम को चिन्हित स्थानों पर पूर्ण सतर्कता के साथ तैनात किया जाए। एरिया के चप्पे चप्पे पर हर परिस्थिति पर गहनता से नजर रखी जाए। नियमों का जानबूझकर उल्लंघन करके बेवजह बिना मास्क लगाए घर से निकलने वाले व्यक्तियों तथा आपराधिक मामलों के वांछित दोषियों को पकड़ने के लिए गंभीरता से कार्यवाही अमल में लाई जाए।